वो आगे का छज्जा गिरा है, इसकी वजह से एक आदमी का डेथ हुआ है, दो लेडीज जो है वो जख्मी हुई है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी के आजमी नगर इलाके में ग्राउंड प्लस वन के एक मकान की गैलरी आज अचानक गिर गई और हादसे में 3 लोग इसके चपेट में आ गए और मलबे में दब गए। बताया जा रहा है कि इसमें एक पुरुष है और 2 महिलाएं इसमें शामिल है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने इन 3 लोगों को मलबे से बाहर निकाला। मौके पर दमकल और मनपा की टीम भी पहुंच गई। मकान की गैलरी में दबने की वजह से करीब 40 वर्षीय रज्जाक की जान चली गई और आयशा अंसारी 55 वर्षीय और जुबेरा खातून जो है, ये 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मलबा हटाने का काम अभी जारी है। वहीं इस हादसे पर स्थानीय नगर सेवक वसीम अंसारी से हमारे सहयोगी फिरोज मेबन ने क्या बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ में वसीम अंसारी साहब है, आजमी नगर के कॉर्पोरेटर, तो थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे। वसीम भाई, ये जो हादसा हुआ तो ये कैसे, मतलब किस हिसाब से, थोड़ा सा बताइए आप। अब ऐसा है कि 84 में ये दंगल ग्रस्त एरिया है जी, और गवर्नमेंट ने इसको अलॉट किया था 10x10 का। उतनी टाइम लोगों ने मकान बनाया, उतनी टाइम खुद ही लुटे पुटे थे, तो जैसा तैसा अपना मकान बनाए थे। ठीक है, अभी टाइम हो गया मकान बनाए, 20-25 साल पुराना मकान था। अभी वो आगे का छज्जा गिरा है, जिसकी वजह से एक आदमी का डेथ हुआ है और 2 लेडीज जो है वो जख्मी हुई है, जिनको IGM में भेजा गया है। एक IGM से एक लेडीज को थाना शिफ्ट किया गया, उसका पैर टूट गया। अच्छा। एक लेडीज को वहाँ पे ग्लूकोज चढ़ रहा है। 2 बच्चे जो जख्मी थे उनको वहाँ से मतलब दवा उपचार करके डिस्चार्ज कर दिया गया। अच्छा। ये इतनी मालूमात है मेरे पास।